गाइस, वेलकम इन माय चैनल एमएन पाठशाला। और गाइस, स्टार्ट करना है आज क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है। और बायोलॉजी पोर्शन से अगर बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब गाइस, सबसे पहले अगर अपने सिलेबस की बात करेंगे तो 2021 के सिलेबस में कुछ पार्ट्स रिमूव किए गए हैं और इस चैप्टर से जो हमारा एवोल्यूशन वाला टॉपिक है उसको हटा दिया गया। मतलब चैप्टर में दो पार्ट्स थे, हेरिडिटी और एंड एवोल्यूशन, और इसमें से एवोल्यूशन को रिमूव किया गया केवल। ओके, अब गाइस जो हेरिडिटी वाला पार्ट है वो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, पूरा समझना है और सारे नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हेरिडिटी आखिर होती क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी। तो गाइस, बहुत सिंपल सी भाषा में कि जो प्रोसेस, द प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए या ट्रेड्स बोल दीजिए, बात एक ही है। तो जो ट्रेड्स होते हैं उसको एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटी। ओके, लेट्स वॉच द प्रोसेस टू ट्रांसफर ट्रेड्स, द प्रोसेस टू ट्रांसफर ट्रेड्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट्स होते हैं, जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो सारे ट्रांसफर होना है ना, कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो द प्रोसेस टू ट्रांसफर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज द हेरिडिटी। और इसी का एक नाम और दिया गया है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब आप इनहेरिटेंस बोलिएगा या हेरिडिटी बोलिएगा। ओके, तो इसका एक ब्रैकेट नाम लिख देता हूँ मैं, कौन सा, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कोई भी नाम आ जाए कन्फ्यूज नहीं होना है, इनहेरिटेंस बोलिएगा या हेरिडिटी बोलिएगा। और इसका मतलब होता है ट्रेट्स का ट्रांसफर होना, कहाँ से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इन ए पर्टिकुलर स्पेसीज। और स्पेसीज भी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुत्ते की बिल्ली में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो ट्रेड्स हैं हमारे वो क्या होते हैं। तो ट्रेड्स का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है हमारे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्रेड्स हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है या जो ट्रेड्स हमारे ट्रांसफर होने वाले हैं वो कौन से होते हैं। तो ट्रेड्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है एक्वायर्ड। ठीक है, ट्रेड्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट नंबर इनहेरिटेड होता है और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। गाइस, दोनों का मतलब क्या होता है, तो एक ट्रेड जो हमें पेरेंट से मिलता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और जो हमें यहाँ पे हमने एक्वायर किया, अपने लैब में जो हमने एक्वायर किया, जैसे हमारी नॉलेज, स्टडी, ये सब हमने कहा किया लैब में एक्वायर किया, तो ये हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स। और जो ट्रेड्स यहाँ ट्रांसफर होते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में, वो कौन से होते हैं, इनहेरिटेड वाले होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने वाले जो ट्रेड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। और एक्वायर्ड जो हमने एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग एरिया से प्राप्त किए हैं, फाइंड किए हैं, गॉट किए हैं, वो सारे क्या होते हैं, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स दो ट्रेड्स विच फॉर्म फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, जो पेरेंट्स हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे एग्जाम्पल कौन सा होगा जाके, तो बच्चा बच्चों एग्जाम्पल होगा जाके हमारा हेयर है, हेयर कलर होता है, स्किन कलर है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स होगा उसके बेस पर ही ऑफस्प्रिंग का कलर्स होगा जाके। ठीक है, तो जो फिजिकली दिखाई पड़ रहा है वो सारे ट्रेड्स हमारे कहाँ से हैं, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल स्किन कलर,
आई कलर, देखा होगा किसी की पेरेंट्स की आईज जो है ब्लैक, तो बेबी में आईज ब्लैक होती हैं, ब्राउन में ब्राउन हो जाती हैं। तो यहाँ पे आई कलर्स, स्किन कलर्स, ये सारे क्या हैं, दैट इज अ फिजिकल अपीयरेंस एंड इट ऑल्सो नोन एज द इनहेरिट ट्रेड्स विच विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है, उस इंडिविजुअल में। तो ये सारे ट्रेड्स हमारे क्या, दैट इज ए इनहेरिट ट्रेड्स, इट इज। इसके अलावा जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, जस्ट अपोजिट, दो ट्रेड्स विच एक्वायर्ड फ्रॉम अवर सराउंडिंग, जो हमें इन्वायरमेंट से अपने सराउंडिंग एरिया से मिलते हैं, वो सारे ट्रेड्स क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स, जैसे हमारे नॉलेज, स्टडी, ठीक है, ये सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे हमें सराउंडिंग से मिल रहे हैं और ये ट्रांसफर नहीं होते हैं। ओके, तो इसको नोट करते हैं, दो ट्रेड्स विच फॉर्म फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, फिश फाउंड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, और सराउंडिंग से जो फाउंड होते हैं वो हमारे कौन से, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। लाइक एज एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल में हो जाएगा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज है, और कोई एग्जाम्पल, जो हमारी ग्रोथ है। अब ऐसा तो हो सकता है कि भाई जो ऑफस्प्रिंग है, अब ऑफस्प्रिंग आप कुछ खिलाएंगे नहीं है, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो क्या वो ग्रोथ अपने आप कर जाएगा, उसके पेरेंट्स ने कोई, ठीक है, जो ट्रेड्स हमें ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं, जो हाइट ज़्यादा बढ़ना होता है, कोई ड्वार्फ रह जाता है, तो ये जेनेटिकल तो है, लेकिन वहाँ पे हाइट जनरेशन करना या जो हमारी ग्रोथ है, मोटापा पतला होना, ये सब क्या है, ये सब हमें यहीं पे एक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशंस यहाँ से चाहिए, पेरेंट्स से नहीं मिलते हमें, ठीक है। तो ग्रोथ, ग्रोथ भी हमारी इसी में आ जाती है, इट इज कि हम कितना ग्रोथ करेंगे, इट डिपेंड ऑन अवर न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस जैसे होंगे जाके, तो ये बाहर से मिल रहा हमें, सराउंडिंग से मिल रहे हैं हमें सारे, तो ये हमारा क्या, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो ट्रेड्स हमारे एक्वायर्ड वाले हैं, ये रिप्रोडक्टिव होते हैं या नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, तो गाइज ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, मतलब ट्रांसफर नहीं होंगे जाके, तो इट बिकम्स नॉन रिप्रोडक्टिव, ठीक है, तो इट डज नॉट ट्रांसफर, दीज ट्रेड्स, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था ये वाला, और ये सेकंड पॉइंट भी लो सकते हैं, क्योंकि हमें आगे इनके डिफरेंस भी बताने हैं आपको, डेफिनेशन दोनों की हो गई यहाँ पे, और क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेड्स, तो आप इसको यहाँ पे डिफरेंस भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो डिफरेंस का पॉइंट आता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस ट्रेड्स डज नॉट ट्रांसफर, डज नॉट ट्रांसफर, ये वाले ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, कहाँ से, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फर्स्ट जेन टू नेक्स्ट जेन, ठीक है। और जबकि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हमारे पास होंगे, जो स्किन कलर्स है, आई कलर्स है, ठीक है, और बॉडी की जो शेप होता है उसके अकॉर्डिंग, अब ह्यूमन का शेप जो होगा जाके वो ह्यूमन का ही बनेगा जाके, बिल्ली का शेप बिल्ली का बनेगा, ठीक है, तो बॉडी शेप ये सारा किसमें आता है, दैट इज ए इनहेरिटेड ट्रेड्स। अगर पेरेंट्स बॉडी सेम उसका गोल है या वैसा है, तो वैसे ही बेबी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन कलर, आई कलर, ईटीसी सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं जो पेरेंट से प्राप्त हो रहे हैं, और ये जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो दीज ट्रेड्स विल बी ट्रांसफर। और एक अच्छा सा पॉइंट और बन जाता है यहाँ पे कि अगर ये ट्रांसफर होंगे वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं, दैट इज ए रिप्रोडक्टिव, और ये कैसे होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे और नोट कर सकते हैं आप। ओके, तो दीज आर द ट्रेड्स, फर्स्ट इनहेरिट, सेकेंड एक्वायर्ड, और दोनों की डेफिनेशन भी यहाँ पे है, और इसके अलावा इनके डिफरेंस भी यहाँ पे लिखे हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आता है सर, जैसे बहुत से एग्जाम्पल रहता है, याद करने तरीका रहता है कि याद कैसे करेंगे, भूल जाते हैं एक्वायर्ड कौन से हैं, तो पहले तो नाम में ही याद हो जाता है एक्वायर्ड, प्राप्त होने वाले, बाहर से मिलने वाले। और अगर एक्वायर्ड नहीं समझ में आता, तो एक चीज़ याद कर लीजिए कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप स्टडी कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन है, आपके पिताजी कोई भी हैं, तो ऐसा नहीं कि बेबी भी आपका ग्रेजुएशन होके आएगा, ठीक है।
तो वो स्टडी वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स, वो हमें यहीं पे स्टडी करना पड़ते हैं। पेरेंट्स कितने भी पढ़े लिखे हों, बच्चा अनपढ़ ही होगा। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये हेरिडिटी जो टॉपिक दिखाया गया है इसको डिस्कस किसने किया। तो बच्चों इसको डिस्कस किया था सर गीगर मेंडल ने। ठीक है, अब सर गीगर मेंडल ने ये ट्रेड्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये जो ट्रांसफर होना बता तो दिया मैंने कि हाँ ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, स्किन कलर ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी कलर ट्रांसफर हो रहा है, आई कलर ट्रांसफर हो रहा है, हेयर कलर ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी शेप ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ट्रेड्स दोनों टाइप्स के हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था कि भाई ये ट्रांसफर होते कैसे हैं, तो इसको स्टडी किया सर गीगर मेंडल ने। सर गीगर मेंडल, तो सर गीगर मेंडल, ठीक है, और इनको स्टडी करने की वजह से इनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। फादर ऑफ इनहेरिटेंस क्यों, क्योंकि उन्होंने उन स्टेट्स को इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ इनहेरिटेंस, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब गाइस क्या होता है, यहां पे इन्होंने इसकी पूरी स्टडी की, इनहेरिटेंस कह दीजिए या हेरिडिटी कह दीजिए, बात एक ही, मैंने पहले बताया आपको। ठीक, जो इन्होंने स्टडी की वो बच्चों ह्यूमंस में नहीं की, इन्होंने स्टडी की पी प्लांट पर। क्वेश्चन आता है ह्यूमंस में प्रॉब्लम क्या थी, तो गाइस पी प्लांट्स पर लेने का रीजन ये था कि उनको ये दिखाना था जनरेशन में ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, केवल इस चीज़ को डिस्कस करना था। और जो ह्यूमन लाइफ होती है वो 100 ईयर्स, 70 ईयर्स, 40 ईयर्स ऐसी होती है, तो एक लाइफ में कितने ट्रेड्स एक्वायर कर रहा है वो, कौन कौन से ट्रेड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, वो 40 साल लग जाते बेचारे को, खुद की एज भी इतनी ही थी, तो एक शॉर्ट लाइफ चाहिए था। और शॉर्ट लाइफ में उन्हें एक प्लांट मिला जिसमें सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी क्लियर, सारे वेरिएशंस भी उसके अंदर थे। और वेरिएशंस होने के बाद में अब क्या था, उसको डिस्कस करना था, तो उन्होंने ट्रेड्स को कंपेयर किया पी प्लांट से। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी जो की है वो किस पे की है, ऑन पी प्लांट पे की है। क्वेरी आती है कि ह्यूमंस पे क्यों नहीं की, तो बिकॉज पी प्लांट हैविंग द शॉर्ट लाइफ, बहुत शॉर्ट लाइफ इसकी होती है। इसके अलावा इसके बाद वेरिएशंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट नोट करते हैं, व्हाई डू मेंडल चूज, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर एज एक्सपेरिमेंट, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीएससी के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। नोट करना है कि व्हाई डू मेंडल चूज पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, तो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ में कि भाई शॉर्ट लाइफ होता है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उन वेरिएशंस को नोट करना था। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर चेक करते हैं। इट वाज इजी टू ग्रो, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, कोई वेरिएशंस नहीं, कोई तरीका नहीं कि भाई अभी इसको लगाना है या कोई सेशन की इंतजार करना पड़े, कभी भी ग्रो कर सकते हैं इसको। एक पर्टिकुलर सीजन तो होता है लेकिन फिर भी वी कैन ग्रो, तो इजी टू ग्रो है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड नंबर है, इट हैड शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ होती है, और शॉर्ट लाइफ होने से क्या होगा, वी कैन स्टडी द मोर नंबर्स ऑफ वेरिएशंस, नंबर ऑफ जनरेशंस। ठीक है, हमें बहुत सारे जनरेशंस को स्टडी करना है, तो अगर शॉर्ट लाइफ होगी तो इजी कम समय में ज़्यादा जनरेशंस को स्टडी कर सकते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ नोट किया है, इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड देयर फोर इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशंस। ओके डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें हमने कैरेक्टर्स बताए हैं सारे। सबसे पहले इट हैड 7 pairs ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो 7 pairs हैं इसके। वो 7 pairs कौन कौन से हैं जिनकी वजह से पी प्लांट को चूज किया गया, ये कैरेक्टर्स 7, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स किसी और प्लांट में नहीं थे, दैट इज वाई यहाँ पे पी प्लांट लिया गया, कोई और प्लांट नहीं लिया गया। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स कौन कौन से उनको जानना है जो इसमें अवेलेबल हैं कंपेयर टू अदर। ठीक, तो उसके बाद फर्स्ट नंबर ऐसा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर जो होता है, फ्लावर कलर कैसा होता है, पर्पल है, वाइट। एक टॉपिक मैंने और लिखा है यहाँ पे कैरेक्टर्स, और दूसरा पार्ट जो टेबल में बनाया है उसको लिखा डोमिनेंट ट्रेट्स, और थर्ड लिखा है रिसेसिव ट्रेट।
तो सबसे पहले बात आती है कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी गेम है। अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं और दोनों में से एक चुपचाप बैठा हुआ है और एक बहुत बोल रहा है, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो बोल रहा है बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वो होते हैं डोमिनेंट। और रिसेसिव वो होते हैं जब वो नहीं होंगे तो ये दिखाई पड़ेंगे। जब बोलने वाला चला जाएगा तो समझ में आएगा ये भी एक और बैठे हुए थे यहाँ पर। मीन्स डोमिनेंट की अब्सेंस में अपने आप को प्रेजेंस कर सकते हैं, अदरवाइज ये हाइड हो जाते हैं। तो ऐसे ट्रेट को बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है, तो उनको समझना है रिसेसिव ट्रेट्स कौन कौन से हैं और डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन से हैं। उनको दो पार्ट्स में डिविजन किया गया। तो फ्लावर कलर की बात करें तो मोस्टली जो कलर होता है वो पर्पल होता है, और इसमें रिसेसिव ट्रेट में आएगा वाइट, इसका वाइट कलर भी होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दो जीन्स के लिए, एक वाइट वाला फ्लावर लेके आते हैं, वाइट वाला फ्लावर के प्लांट लेके आते हैं, एक पर्पल का लेते आते हैं, तो पर्पल डोमिनेंट होगा जाके। तो वहाँ से जनरेशन जो बनेगी उस जनरेशन में पर्पल कलर ही आएगा, क्योंकि डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा और रिसेसिव अपने आप को छिपा लेता है। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन भी आगे नोट है, पढ़ेंगे भी। तो फिलहाल सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है फ्लावर पोजिशन। तो एक्सियल है या टर्मिनल फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियल इसका डोमिनेंट ट्रेट हो गया जाके, और टर्मिनल जो हो गया रिसेसिव ट्रेट में आता है। थर्ड नंबर है सीट कलर। सीट कलर में आपका जो कलर होता है सीट का वो येलो होता है और रिसेसिव में ग्रीन। ठीक है, दो करेक्टर्स होते हैं, ये ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, मोस्टली येलो पाया जाता है। तो मोस्टली वाला डोमिनेंट हो गया जाके, और जो ना के बराबर है वो कौन सा है, रिसेसिव। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ नंबर हमारा आता है सीट शेप। तो राउंड शेप है या रिंकल शेप है, राउंड का मतलब गोल और रिंकल टेढ़ा मेढ़ा शेप हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद पॉड शेप। पॉड क्या होती है, मटर देखी सभी ने, और कुछ मटर जो होती है वो सीधी सीधी एकदम से हार्ड एकदम से बनी है और बिल्कुल प्लेन पॉड शेप। ठीक है, जो पॉड का शेप होगा जाके, तो यहाँ पर दो शेप लिखी है हमने, एक इन्फिनेटेड प्लेन और एक में देखा वो दाने छपे से होते हैं, मतलब दाने जो होते हैं वो यहाँ पे ऐसे ऐसे शो कर रहे होते हैं ऊपर ऊपर है। ये लगता है इसमें हाँ इतने चार पांच दाने वाले हुए। अगर आप पॉड को छीलते हैं, मटर को छीलते हैं, तो क्या होता है, छीलने के बाद पता लगा इसमें से चार मटर के दाने निकल के आएंगे और एक ऐसी हो जिसमें ऊपर से ही सो जाते हैं, इसमें फोर मटर पीस है। तो इसका मतलब एक पॉड शेप जो होता है ना फ्लैट होता है, और दूसरा होता है कंट्रेक्चुअल। कंट्रेक्चुअल मतलब इस तरीके से जो शेप दिखाई पड़ता है ऊपर से। ठीक है, तो ये पॉड शेप मटर के दो तरह के शेप भी होते हैं, मोस्टली इनफ्लेट होता है। ठीक है, इसके बाद पॉड का कलर। ये जो मटर होती है देखा होगा नॉर्मल आपने, हरी मटर होती है और कुछ मटर येलो भी होती है। तो कलर पॉड के दो हैं, एक ग्रीन कलर है और एक है येलो कलर। उसके बाद लेंथ। जो प्लांट की लेंथ होती है भाई, अपनी भी लेंथ होती है। कोई बहुत हाइटफुल होता है मेरे जैसा, और एक कोई डॉर्फ होता है बोना। तो प्लांट लेंथ भी होती है कैसी, मोस्टली टॉल होता है और रिसेसिव में ड्वार्फ आ जाएगा। ठीक, ड्वार्फ मतलब बोना। तो ये सेवन कंट्रेस्टिक करेक्टर जो हैं, ये इतने सारे करेक्टर्स जो हैं पी प्लांट के पास हैं, दैट इज बाई मेंडल चूज पी प्लांट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है वाई डू मेंडल चूज, तो आप इसमें से 1, 2, 3 पॉइंट और सेवन करेक्टर्स को नोट करके आएंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर डेफिनेशन ये भी नोट कर सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर नोट किया है, इट इज़ वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और अब्सेंस और रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, अब्सेंस और रिसेसिव ट्रेट्स मतलब ये क्या है, इट इज़ वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप एक्सप्रेस करता है इन द प्रेजेंस और अब्सेंस। रिसेसिव ट्रेट अब्सेंस हो या प्रेजेंस हो, उसकी प्रेजेंस में भी अपने आप को जो शो करता है वो डोमिनेंट है। ठीक है, मतलब यही वाला जो कैरेक्टर्स होता है, जो ट्रेट्स होते हैं, वो शो करते हैं डोमिनेंट वाले, और रिसेसिव वाला हाइड हो जाता है। ये केवल तब आएगा जब दूसरा वाला नहीं होगा। तो इट इज दैट, इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द अब्सेंस। अब्सेंस और डोमिनेंस, डोमिनेंस नहीं है तो जाके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो रिसेसिव जो हाइडिंग कैरेक्टर होता है, और जो एक्सप्रेस शो होने वाला कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है, डोमिनेंट होता है। ये दोनों के डेफिनेशन हैं। ठीक है, और इसके बाद ये, अब बच्चों इसके बाद ये तो क्वेश्चन ने पढ़ लिया कि मेंडल ने इसको चूज क्यों किया। कुछ टर्म्स हमें और पढ़ने हैं जिनका हम, जिन बर्ड्स का यूज हम आगे करने वाले हैं। जैसे जीन्स क्या होते हैं, तो जीन्स मतलब हमारे पास डीएनए में जीन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं। ठीक, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जीन्स। अब जीन्स का एक बर्ड और है एलएल, ए डबल एल ई एल ई, एलएलए बोलते हैं इसका। ये एलएलए का नाम भी जीन्स होता है। ठीक है, जीन्स का मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलएलए हो गया जाके हमारे पास, फैन
फिनोटाइप्स क्या होते हैं, जीनोटाइप्स क्या होते हैं। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है। जीनोटाइप्स क्या होते हैं, जीनोटाइप्स को फिजिकल अपीयरेंस को कोडिंग करने। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कोई एलील कोई जीन्स है, और जीन्स में कैरेक्टर हमने बताया कौन सा, टॉल। तो टॉल क्या है, टॉल प्लांट जो है फिजिकल अपीयरेंस है, या रेड कलर बता दिया किसी का हमने, तो रेड कलर के फिजिकल अपीयरेंस है। तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप्स, जो फिजिकली अपीयर होता है। ठीक, टॉल हो गया। अब इस टॉल को एक कोडिंग में लिख लेते हैं। टॉल को लिख दिया हमने टी कॉमा टी, मतलब दो कैरेक्टर्स हम शो कर रहे हैं, टॉल टॉल, कैपिटल टी से टॉल लिख दिया, या मान लीजिए कैपिटल टी कॉमा स्मॉल टी कर दिया। तो हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए है, और स्मॉल टी जो है वो डॉर्फ के लिए है, दोनों हाइट बता रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस को हम लोग कोडिंग में कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप्स क्या होता है, जीनोटाइप्स क्या होता है, एलील क्या होते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, कुछ पॉइंट जो हम आगे यूज करेंगे उनकी डेफिनेशंस को यहाँ नोट कर लेते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को डेफिनेट कर लीजिए, और करने के बाद फिर हम देखते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेट ट्रांसफर कैसे हैं, ये कैसे बताया था। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउट देन स्टार्ट। तो नोट कर लेते हैं यहाँ से डेफिनेशंस में कि एलील क्या होता है, डेफिनेशन क्या बनेगी, होमोजाइगस क्या होता है, हेटरोजाइगस क्या होता है। ठीक है, फिनोटाइप्स क्या होता है, जीनोटाइप्स क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस यहाँ से नोट करनी है। सबसे पहले बच्चों एलील, एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन। कोई एक जीन दिया गया, उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। जीन कौन से हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जीएनए डीएनए होते हैं हमारे, कौन कौन से हैं, जैसे टॉलनेस, प्लांट्स की बात कर रहे थे अभी हम लोगों ने कैरेक्टर्स लिखे थे, तो वही वाले सारे, टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है, ये क्या जीन्स में ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे एलील वर्ड जो नया सा यूज किया गया, यहाँ पे हमें टर्म्स वो पढ़ने हैं जो नए वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होगी। अगर एलील बोल दिया समझ में नहीं आता, जीन्स बोल दिया समझ में आता है हमें। ठीक है, तो एलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन, जैसे एग्जांपल मैंने दिया टी, यहाँ एक कोडिंग कर दी कैपिटल टी से, और कैपिटल टी से ही हम डिनोट करना चाह रहे हैं कि कैपिटल टी अगर लिखेंगे तो हम शो कर रहे हैं टॉलनेस ऑफ प्लांट के लिए। तो टॉलनेस का जो जीन्स होगा जाके वही हमारा क्या है, दैट इज द एलील। ड्वार्फनेस बोल दिया, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी लिख दिया हमने, स्मॉल टी, एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस। तो स्मॉल टी तो एक कोडिंग है, बट ये मैं यहाँ पे ये शो करना चाह रहा है कि ड्वार्फनेस का जीन्स जो है, ठीक है, उसी को हम एलील बोल रहे हैं, और इसका सिंबल हमने स्मॉल टी बना दिया। ओके, तो ये एलील हो गया। अब एलील के बाद में अब आता है फिनोटाइप्स कैरेक्टर। तो मैंने कहा फिजिकल अपीयरेंस जिसकी होती है, जैसे मान लीजिए टॉलनेस, ड्वार्फनेस, तो ये टॉलनेस ड्वार्फनेस जो है वो फिनोटाइप कैरेक्टर है उसका। ठीक है, और उसका जीन्स जो है वो एलील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल अपीयरेंस को रिफर करता है वो उसका फिनोटाइप करेक्टर होता है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, प्लांट्स के लिए टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है, उसका सीड कलर है, फ्लावर कलर है, तो ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस है ना, और फिजिकल अपीयरेंस है तो ये इसका क्या है, दैट इज अ फिनोटाइप। ओके, तो इसका मतलब टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल, सीपा शेप दे दी हमने यहाँ पे, और भी बहुत सारे जो हमने सेवन कैरेक्टर्स लिखे थे उनको आप भी प्लांट्स दे सकते हैं, अदरवाइज ह्यूमन या किसी और स्पेसीज के लिए भी आप इसको नोट कर सकते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर्स को। अब फिनोटाइप को कोडिंग करनी है, और फिनोटाइप को अगर कोड में लिख दोगे फिजिकल अपीयरेंस को, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, इट रिफर्स टू द जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कैरेक्टर है तो उसका जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी गिवन फिनोटाइप। फिनोटाइप का जेनेटिक कोड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे हमने आपसे बोला टॉल प्लांट है, तो टॉल के टी कॉमा टी, दो कैरेक्टर्स टॉल टॉल है, तो इसका मतलब दिस इज अ जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस ऑफ प्लांट। अगर हम यहाँ पे तो और चेंज करते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे टी कॉमा स्मॉल टी, तो हम कह सकते थे रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, बोले सर अगर हम यहाँ पे एक बड़ी टी लिख दें एक स्मॉल लिख दें तो क्या होगा जाके, तो इसमें डोमिनेंस करेक्टर आएगा हमेशा, और टॉल अगर हमारा डोमिनेंस करेक्टर है, तो मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये किस कौन सा जीनोटाइप हो जाएगा, ये भी तो जीनोटाइप कोडिंग हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे टॉल हमारा डोमिनेंस है और स्मॉल टी डोमिनेंस का रिसेसिव करेक्टर है, तो कौन सा सो होगा, डोमिनेंस सो होता हमेशा, तो इसका मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसके लिए, टॉल के लिए ही होगी जाके। ठीक है, या अब आप सोच रहे हैं सर एक काम करते हैं, स्मॉल टी आगे लिख देते हैं, कैपिटल टी बाद में लिख देते हैं, स्मॉल टी को हम कैपिटल टी कर देते हैं,
तो गाइस जो डोमिनेंस करेक्टर होगा वही सो होगा, और डोमिनेंस यहाँ पे टॉलनेस है। अगर हमारी डॉबनेस डोमिनेंस होगा जाके तो वो शो करेगा, मतलब डोमिनेंट करेक्टर जो होता है वो शो करता है, रिसेसिव हमेशा हाइड हो जाता है। ओके तो ये क्या है हमारा, दैट इज अ जीनोटाइप, जेनेटिक कोड होता है किसका, फिनोटाइप करेक्टर्स का, जो फिजिकल अपियरेंस हो रहा था, और उसका जीन्स जो है उसको क्या बोलते हैं, एलएल बोलते हैं। ये ठीक है, तीन टर्म्स हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं होमोजाइगस और एक को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जाइगस में सेम सेम वाले, ये दोनों होमोजाइगस हैं, और जो डिफरेंट लिखा है यहाँ पे ये हमारा हेट्रोजाइगस है। तो इसका मतलब होमोजाइगस, इट रिफर टू द कंडीशन व्हेन सेम टाइम एलएल, भाई दोनों एल टी और टी क्या, दोनों एलएल जीन्स सेम सेम है, टॉल टॉल वाले हैं, तो सेम टाइम एलएल अगर शो करेगा तो कौन सा, होमोजाइगस है, प्रेजेंट फॉर द फिनोटाइप गिवन के लिए। तो टी टी होमोजाइगस, या एक और एग्जांपल दे दीजिए यहाँ पे, स्मॉल टी कॉमा स्मॉल टी, ये भी हमारा क्या है, होमोजाइगस है। ये तो टॉलनेस की बात हुई, क्या कोई और एग्जांपल नहीं ले सकते हम लोग, वी कैन चेंज योर एग्जांपल फ्रॉम द शेप ऑफ सीट। सीप का सीट मान लीजिए कैसा, राउंड और रिंकल होता है, तो राउंड रिंकल के लिए आर बना दीजिए कॉमा डब्ल्यू बना दीजिए, तो आर डब्ल्यू जो है आर कॉमा आर लिखेंगे तो वो कौन सा हो गया, होमोजाइगस। डब्ल्यू डॉम को डब्ल्यू लिखेंगे रिंकल के लिए तो वो भी होमोजाइगस हो जाएगा, लेकिन आर और डब्ल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो जेनेटिक कोड है वो कैसा डिफरेंट डिफरेंट को शो कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इट बिकम द हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ नोट भी किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एलएल, एग्जांपल टी कॉमा टी, और भी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, आर कॉमा डब्ल्यू, आर डब्ल्यू हो गया, ठीक है, ग्रीन येलो हो गया, जी वाई, तो जो भी कैरेक्टर्स यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शो करें तो हेट्रोजाइगस, और सेम सेम ग्रीन ग्रीन शो कर देंगे तो क्या होगा, इट बिकम्स द होमोजाइगस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फाइव डेफिनेशंस आपको बताई, एलएल, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको हमें यूज करना पड़ता बर्ड को और बाद में समझ में नहीं आते हैं। मैंने कहा एलएल को यूज करना है, जीनोटाइप्स कितने हो गए, फिनोटाइप्स कितने हो गए, इनका रेशियो क्या होगा जाके, तो कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, हम लोगों ने मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने पी प्लांट को यूज किया, उसको लेटर्स को पढ़ा, कुछ टर्म्स पढ़े। अब हमें आगे स्टडी करना है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किया कैसे, या जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं जनरेशन में वो कैसे होते हैं। तो उसमें हमें पहला पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, फॉर पी प्लांट्स के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से ट्रेट्स यहाँ बनते हैं उनको देखना है, वो मेथड देखना है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। कोई भी दो जीनोटाइप्स ले लेंगे यहाँ पे, अब कोडिंग ही चलेगी आपकी, कोडिंग चलने का मतलब ये वाला, कोई भी दो जीनोटाइप्स ले लिए, मान लीजिए एक टी टी जीनोटाइप से एक स्मॉल टी टी, और दोनों को क्रॉस कराया, क्रॉस कराने का मतलब दोनों प्लांट्स को कंबाइन किया। अब जो नए ट्रेट्स, नई जनरेशन बन के आएगी वहाँ से, उस जनरेशन में कौन कौन से ट्रेट्स आएंगे, वो प्लांट कैसा हो सकता है, समझे, मतलब हमने एक प्लांट लिया टॉल, एक लिया डॉर्फ, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, अब एक नया प्लांट तैयार करना हमें, तो नई जनरेशन हमारी बन के आएगी तो वहाँ पर वो ट्रेट कैसे होंगे जाके, या उसके पास ट्रेट कैसे होंगे, कौन कौन से ट्रेट्स होंगे, या उससे आगे जनरेशन में क्या क्या होने वाला है, ये सीखना हम लोगों को। ठीक है, मेन टारगेट ट्रेट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे होते हैं, यही तो पढ़ना था हम लोगों को। ठीक है, तो अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर हम लोग पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, और कहीं ना कहीं टॉपिक्स अगर आप देखते हैं तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़े थे एक ये और दो टॉपिक, कहीं ना कहीं चार या पाँच टॉपिक ही बचे हैं चैप्टर में से, और मार्क्स मिलने वाले हैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले टॉपिक्स कम हो गए हैं और 21 की सिलेबस में ऑब्वियसली गाइस फायदा होगा आपको। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट्स, कोई भी सिंगल ट्रेट, सिंगल ट्रेट का मतलब जैसे मान लीजिए टॉलनेस ले लिया तो केवल टॉलनेस की स्टडी करेंगे, डॉर्फनेस टॉलनेस या हाइट ले लिया हमने, तो ट्रेट हमारे पास सिंगल ट्रेट का मतलब हमें यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराना है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई भी एक कैरेक्टर लेंगे, जो हमने अभी आपको 7 कैरेक्टर्स नोट कराए थे उन सारे में से कोई भी एक ले लीजिए, और उनका हम जीनोटाइप्स यहाँ पे यूज करेंगे, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के देखेंगे कि भाई पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन, नेक्स्ट प्रोगेनी, जनरेशन को प्रोगेनी भी बर्ड बोलते हैं, तो प्रोगेनी में क्या होने वाला है, कौन कौन से ट्रेट्स ट्रांसफर होंगे, या वो ट्रेट्स में कौन से ट्रेट्स शो करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट है हमारे पास, और मान लीजिए हमने एक लिया है प्योर टॉल प्लांट,
और इसको क्रॉस कराना है प्योर सॉलिड प्लांट से कह सकते हैं या ड्वार प्लांट कह सकते हैं, एक ही बात है ठीक। अब प्योर टॉल प्लांट हमने कह दिया तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, जेनेटिक कोड लिखना पड़ेगा, तो इसका जेनेटिक कोड हो जाएगा टॉल के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे टी टी, और प्योर सॉर्ट को लिखेंगे बच्चों स्मॉल टी से टी टी। तो जो स्मॉल टी है दैट इज द जेनेटिक कोड फॉर द प्योर ड्वार्फ या सॉर्ट प्लांट्स एंड कैपिटल टी टी इज द जेनेटिक कोड फॉर द प्योर टॉल प्लांट्स। अब इसका हमें क्रॉस कराना है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये हमारा क्या है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट्स हैं, और जब ये क्रॉस करेंगे आपस में, क्रॉस करने से क्या होगा, जाके क्रॉस करने के बाद में नई जनरेशन बनेगी, F1 प्रोगेनी बनेगी, फर्स्ट जनरेशन को लिखेंगे F1 से ठीक है। तो गाइज करेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, सबसे पहले यहां से जो टी लिखा है ये वाला टी इससे क्रॉस करेगा, इसका फर्स्ट ले लीजिए, इसका फर्स्ट ले लीजिएगा, तो यहां बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, समझिएगा यहां पे। सेकंड इसका फर्स्ट है और इसका सेकंड क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी इसका, कैपिटल स्मॉल टी इसका, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में कैपिटल टी यहां से और इसका फर्स्ट, मतलब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद में इसका सेकंड और इसका सेकंड भी आ जाएगा, यहां से क्या बनेगा एक टी कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला। ये हमारी क्या आ गई, दैट इज ए F1 जनरेशन, F1 प्रोगेनी हमारी आ गई यहां से ठीक। अब गाइस यहां पर ये कोडिंग लिखी है, अब इनका फिनोटाइप कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, तो बच्चों कैपिटल टी टॉलनेस और स्मॉल टी ड्वार्फनेस, अब इसमें से कौन सा फिजिकल अपीयर होगा, तो मैंने बताया था जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही फिजिकल अपीयर होता है, तो यहां टॉलनेस जो है डोमिनेंट है और स्मॉल टी कैसा है रिसेसिव है, तो इसमें इसका मतलब ये वाला गाइस टॉल दिखाई पड़ेगा प्लांट हमें, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर ही यहाँ शो होता है। इसमें देखिए सेम है तो ये भी टॉल दिखाई पड़ेगा, ये भी टॉल दिखाई पड़ेगा और ये भी टॉल दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों कि अगर हम लोग एक पेरेंट टॉल प्लांट लिया और उसको शॉर्ट प्लांट से हमने हैबिट क्रॉस कराया, नया प्लांट जो नई जनरेशन की होगी वो हमारी टॉल ही रहेगी, सारे कैरेक्टर्स कैसे होंगे डोमिनेंट वाले यहाँ शो करेगा। अब क्या होने वाला है, अब मान लीजिए इनसे नेक्स्ट जनरेशन बनती है F2 प्रोगेनी बनती है, तो F2 प्रोगेनी बोल दीजिए या जनरेशन बोल दीजिए, तो क्या होगा, तो इनमें से कोई आपस में सेल्फ लिंक कर लेता है, मान लीजिए दोनों आपस में सेल्फ लिंक कर लेते हैं, टीटी कैरेक्टर ये भी टीटी कैरेक्टर है, ये सेल्फ लिंक करते हैं यहाँ से, तो लिंक करेंगे तो यहाँ से ये सेल्फ लिंक होंगे आपस में, सेल्फ लिंक, और सेल्फ लिंक होने के बाद में इन दोनों से जो नई जनरेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, जरा देखिए इन दो कैरेक्टर्स को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, टी टी और टी कोमा टी, ये क्रॉस बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ कराया था वैसे यहाँ करेंगे, इसका फर्स्ट ले लीजिए, इसका फर्स्ट ले लीजिए, टी और कैपिटल टी दोनों का कैपिटल टी बन गया ठीक। यहाँ से फर्स्ट ले लीजिए और इसका सेकंड ले लीजिए, कौन सा बन गया टी और टी बन गया, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ले लीजिएगा तो यहाँ से बन जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी, और लास्ट में इसका भी सेकंड और इसका भी सेकंड हमने लेके यहाँ नोट किया तो स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड आ गया किसका, सेकंड प्रोग्रेनी का, F2 जनरेशन का, इस वाली जनरेशन से जो नहीं बनेगी, अभी ये पेरेंट हो गया ये नेक्स्ट जनरेशन हो गई उसकी। अब ये फिनोटाइप कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, तो बच्चों कैपिटल टी है ऑब्वियसली गाइस, ये तो टॉल ही होना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे टी जो है डोमिनेंट है, स्मॉल टी जो है रिसेसिव है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है, इसका मतलब ये वाला प्लांट कैसा रहेगा टॉल, और यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी, तो टी जो है कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है, दैट इज वाई ये भी हमारा कैसा रहेगा टॉल, और यहाँ देखिए स्मॉल टी लिखा होगा तो ऑब्वियसली गाइस ये कैसा हो जाएगा ड्वार्फ ठीक है। अब इसका बताना होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो, पहले बात करते हैं F1 जनरेशन के, F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि सारे ही टॉल हैं, तो सारे टॉल का मतलब क्या हुआ जाके यहाँ पे 4:1 ठीक है, ये रेशियो कैसा रहे 1:1 है, 4:1 का रहेगा, 1:4 का रेशियो है इसमें, सॉरी सारे ही रेशियो हमारे 100% कैसा है, तो यहाँ लिखेंगे 100% टॉल, 100% डोमिनेंट। यहाँ पर देखिए ये जो टी टी लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख रहे हैं भैया, एक इस टाइप का है, दो टी टी सेम है, एक टी टी है, तो इसका मतलब इसमें जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या कोडिंग होती है, तो इसमें जीनोटाइप जो रहेगी वो कैसी रहेगी, 1:2:1, कैसे 1:1 का, 2:1 का और 1:1 का, 1:1 का रेशियो है,
और अगर फिनोटाइप क्या होता है, टॉल टॉल टॉल, ये फिनोटाइप होती है फिजिकल अपीयरेंस। तो बच्चों अगर फिनोटाइप का रेशियो यहाँ पूछेंगे सेकंड जनरेशन में, तो यहाँ हो जाएगा टॉल टॉल टॉल, तो 3:1 तो 3:1, ठीक है। और यहाँ पे कैसा रहेगा, 100% टॉल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 के 4 हमारे कैसे हैं, टॉल है, सारे कैरेक्टर्स हमारे सेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने क्रॉस कराया वो कौन सा कराया, एक कैरेक्टर लिया, सिंगल कैरेक्टर, कौन सा लिया, प्लांट की हाइट ली थी। अगर आप इसकी जगह कोई और कैरेक्टर लेते हैं, मान लीजिए सीड का शेप लेते हैं, सीड का कलर लेते हैं, फ्लावर कलर लेते हैं, तो उनका भी क्रॉस बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सीड का शेप ले लिया राउंड और रिंकल, ठीक है। रिंकल का सिंबल स्मॉल आर भी बना सकते हैं और कैपिटल आर भी बना सकते हैं, या डब्ल्यू भी बना सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर तो राउंड के लिए हो गया, स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल आर भी बन जाता है। तो यहाँ से आर डब्ल्यू बिल्कुल जैसे यहाँ पर टी आया, यहाँ आर डब्ल्यू आ जाएगा। अगले वाले में आर डब्ल्यू और डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ क्रॉस कराया, जहाँ टी था वहाँ पे आर डब्ल्यू हो जाएगा, बस केवल रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर कौन सा है, सीट का सेप है। फ्लावर की कलर के लेते अगर मान लीजिए, तो मान लीजिए ग्रीन और येलो ले लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने उसको क्रॉस करा सकते हैं। तो ये सिंगल कैरेक्टर को लेके उसको क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद उसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया हम लोगों ने। एग्जाम में इसका आ जाता है क्रॉस करना, या ये रेशियो निकालने के लिए पूछ देगा आपसे वो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा बच्चों, स्टडी ऑफ टू ट्रेट्स, दो ट्रेट लेंगे और उनके कैरेक्टर कराएंगे। यहाँ पे केवल टॉलनेस थी, केवल सीड का शेप लिया था, कलर ऑफ फ्लावर लिया, कलर ऑफ सीड लिया, एक ही ट्रेट ले रहे थे, उनका क्रॉस करा रहे थे। अब हमारे पास दो ट्रेट्स वाले प्लांट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनको क्रॉस कराने के बाद उसकी F1 F2 प्रोग्रेनी बनाएंगे। जनरेशन की बात करेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि F1 जनरेशन में कितना रेशियो बनता है फिनोटाइप जीनोटाइप का, और F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो कितना बनता है। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, देन स्टार्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, हमें यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लेने हैं, स्टडी ऑफ टू ट्रेट्स लेना है। और टू ट्रेट्स में सबसे पहले हमने एक प्लांट लिया, जो कि ये मान लिया कि मान लीजिए वो प्लांट जो है टॉल और उसका सीड जो है, दो कैरेक्टर लेने हैं ना, उसका सीड ले लिया और हाइट भी ले लिया। अभी हमने क्या किया था मोनो वाले में, हमने केवल टॉलनेस या डॉर्फनेस या उसकी हाइट केवल ली थी, या सीड का शेप लिया था, एक ट्रेट की बात कर रहे थे। अब हमें एक प्लांट में दो ट्रेट को स्टडी करना है एक साथ, और दो तरीके के प्लांट्स उनका क्रॉस कराना है, क्रॉस कराने के नई जनरेशन में ट्रेट बताने हैं, और इसके अलावा नई जनरेशन में ट्रेट के साथ साथ एक प्लांट में दो ट्रेट भी लेने हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पर टॉल राउंड और एक ले लिया ड्वार्फ रिंकल, मतलब सीड का शेप ले लिया और उसकी हाइट ले ली प्लांट की। तो यहाँ पर टॉल को लिखेंगे TT से, राउंड को लिखेंगे कैपिटल आर से, और इसके अलावा ड्वार्फ और रिंकल की बात करेंगे तो ड्वार्फ स्मॉल टी से और रिंकल हमारा स्मॉल आर से हो गया, ठीक है। तो ये दो दो ट्रेट्स भाई, ये दो ट्रेट हो गए, और अगला प्लांट भी है उसकी दो ट्रेट लेके इनको क्रॉस कराना है। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये पेरेंट का जीनोटाइप हो गया हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाला भी होता है, थोड़ा हार्ड भी समझने वाला पॉइंट है। समझना क्या है, सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें इसकी क्रॉस की, तो अगर TRT भाई होता क्या है, फर्स्ट इसका इसका सेकंड फर्स्ट सेकंड, ये तो मल्टीपल करना होता अभी हमने क्रॉस में किया मोनो वाले में। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से TR मतलब हमने इस T को एक लिख लिया, इस R को एक लिख लिया, ये मान सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये चार चार कैरेक्टर हो जाएंगे इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। दोनों T को मिला के हमने यहाँ T लिख दिया, दोनों R को मिला के हमने एक सिंगल R लिख दिया यहाँ से, ठीक। यहाँ से देखो दोनों T और दोनों R को हमने कर दिया स्मॉल r। अब गाइस कैरेक्टर सारे ही जाने हैं, अब ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं मान लीजिए। तो अगर ये क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, जाके सिंपल F1 जनरेशन जो हमारी बनेगी, यहाँ से F1 जनरेशन में टॉल ड्वार्फ राउंड रिंकल ये कंबाइन होगा, टॉल ड्वार्फ राउंड रिंकल, भाई टॉलनेस भी रहनी है और राउंड मतलब सीट का शेप भी रहना है, अलग किसी को करना नहीं है। तो ये सारे कंबाइन मान लीजिए, ये दोनों कंबाइन हुए पहले के साथ में, तो TTR बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार रिंकल आ जाएगा हमारे पास, तो ये कंबाइन, और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये बनता है 8 times, मतलब TTRR का जो रहेगा ये दोनों कंबाइन होके बनेंगे। भाई सिंपल हमें सीट का शेप भी लेना है और टॉलनेस भी लेनी है, ऐसे कह दीजिए, तो ये दोनों कंबाइन होके ये 8 times बन जाएगा। या ऊपर जो हमने काउंटिंग बताई है, फिलहाल आपको इस चीज़ को देखिए दोबारा से, TT और RR यहाँ क्रॉस करते हो तो ये TR कितने बार बनेगा, 4 बार बनेगा।
ये भी चार बार बनेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो TTRR कंबाइन होके बनेगा, इन दोनों से क्रॉस होके बनेगा, वो कितने टाइम बनेगा? 8 टाइम बनेगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन में TTRR जो होता है वो 8 टाइम बनता है। अब क्या करना है, अब हमें इसी जनरेशन को फिर से क्रॉस कराना है, और फिर से क्रॉस कराने के बाद में हमें क्या करनी है, F2 प्रोग्रेनी बनानी है। अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं बच्चों, तो होता क्या है, एक बार प्लांट जो है टॉल रहेगा, सीड राउंड रहेगा, ठीक। एक बार प्लांट जो है ड्वार्फ रहेगा, सीड राउंड रहेगा। एक बार प्लांट टॉल रहेगा, सीड रिंकल रहेगा। एक बार प्लांट ड्वार्फ रहेगा और सीड जो है राउंड रहेगा, हो गया। एक क्रॉस, एक और हमने इसका ले लिया, मान लीजिए भाई 8 टाइम है, और 8 टाइम में क्या होता, अभी हमने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो 4 बने थे हमारे पास टॉल 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 टॉल, उनमें से कोई 2 लेके नेक्स्ट जनरेशन बना दी हमने, तो यहाँ पे कितने बने ऐसे, ये 8 बने जाके, 8 में से कोई 2 हमने ले लिए, और 2 ले लिए तो एक से हमें ये बन गया, और दूसरे से भी क्या होगा, यही तो बनेगा, TR, ये वाला TR और स्मॉल r, इन दोनों को हमें क्रॉस कराना है, और क्रॉस कराने के बाद में क्या निकालनी है, F2 प्रोगेनी, और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, F2 प्रोगेनी ही एग्जाम में आती है डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ओके। ये थोड़ा समझने वाला भी है, और ध्यान रखना किस तरीके से करना हम लोगों को यहाँ पे। अब होता क्या है, इन दोनों क्रॉस कर, इसके लिए हमें करना पड़ता है मैट्रिक्स वाला मल्टीपल, कॉलम बनाने पड़ेंगे, यहाँ लिख दिया F2 प्रोगेनी, 4 कॉलम यहाँ बना लीजिए, 1, 2, 3 और 4, और 4 बना दीजिए यहाँ पे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक। ये करेक्टर को लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, इस करेक्टर को लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, TR, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r, बिल्कुल सेम यहाँ पे हैं, TR स्मॉल t कैपिटल R और कैपिटल TR स्मॉल r और स्मॉल t स्मॉल r, इन दोनों का क्रॉस कराना है। और जब बच्चों इन दोनों क्रॉस हम यहाँ पे कराएंगे, तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इस केस में इसका इसका मल्टीपल होगा। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो बच्चों देखो, टी टॉलनेस है और सी राउंड है, दोनों क्रॉस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से TR ही तो बनेगा, TTRR, और इस सीड का, इस प्लांट का शेप कैसा होगा, तो ऑब्वियसली गाइस TT से मतलब टॉल होगा, R से मतलब राउंड होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, टॉल राउंड, ठीक है। अब इस TR का इसमें क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें क्रॉस बन जाएगा T, ये TT हो गया और RR बन जाएगा, और TT कैरेक्टर कैसा होता है, मैंने भी बताया था, डोमिनेंस कैरेक्टर शो करता है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये टॉल होगा और राउंड होगा, तो ये टॉल राउंड हो गया, टॉल प्लस राउंड, ठीक, राउंड, ओके। अब इसको क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल टी बन जाएगा, आर स्मॉल आर बन जाएगा, तो ये वाला भी कैसा होगा, ये वाला भी टॉल राउंड होगा, क्यों राउंड होगा, TT तो टॉल है ही हमारा कंप्लीट, इससे हम हो जाएगा सर, लेकिन RR जो हेट्रो जाएगा सर, इसमें डोमिनेंस कैरेक्टर हमारा राउंड वाला ही है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये कैसा रहेगा, टॉल राउंड ही रहेगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ये भी टॉल राउंड लिख लीजिएगा यहाँ पे, टॉल राउंड। अब इसका और इसका हम क्रॉस करेंगे, अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल T स्मॉल r, इसका क्रॉस करने पे देखिए, कैपिटल T स्मॉल t क्या बोलेंगे, टॉल ही बोलेंगे, क्योंकि डोमिनेंस कैरेक्टर टॉल है हमारा, और R स्मॉल r को क्या बोलेंगे बच्चों, ये भी हम लोग क्या बोलेंगे, राउंड बोलेंगे इसको, तो टॉल राउंड ये भी रहेगा हमारा, टॉल प्लस राउंड, ठीक, ये हो गया। अब इस कैरेक्टर का इससे क्रॉस कराते हैं यहाँ से, तो ये क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, TTRR, और TTRR क्या होता है, टॉल राउंड ही बनेगा हमारा। इसके बाद टी और टी आर आर कराएंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टॉल प्लस राउंड, और ये हो जाएगा ड्वार्फ और राउंड, ठीक। इसका ऐसे क्रॉस कराते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा TTRR। अब आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से आगे कैसे, टी और टी कौन सा, टॉल, आर और आर कौन सा हो गया, राउंड। फिर इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा ड्वार्फ, और आर और आर भले चेंज हो जाएगा सर, लेकिन ये कैसा रहेगा, इट इज ऑल्सो सेट टू बी राउंड, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, राउंड है हमारा। अब इसका मल्टीपल करो, तो ये हो जाएगा फिर से
TTRR, ये वाला क्रॉस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा TTRR, तो इन दोनों को भी टॉल राउंड बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसका इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा टॉल टॉल आर और आर, ये हो जाएगा हमारा टॉल प्लस रिंकल, क्योंकि रिंकल क्यों, स्मॉल आर लिखा है यहाँ पे, ओके बहुत ध्यान समझना बच्चों यहाँ पे। अब इसका इसका क्रॉस करिए आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी और टी और आर, इसको भी हम लोग, ये करेक्टर जरूर अलग अलग है लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो टी टी में हमारा ये फिजिकल अपीयरेंस है, तो ये टॉल और ये रिंकल हो जाएगा, ठीक है। इसका इसका क्रॉस करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी टी आर आर, तो ये भी टॉल रिंकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्रॉस करते हैं तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ड्वार्फ प्लस रिंकल रहेगा हमारा ये, ओके। जहाँ लिखा नहीं मैंने, आप बड़ा सा कॉलम बना के इसको लिखिएगा जरूर। यहाँ से दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये टी टी आर आर, ये कैसा रहेगा, टॉल प्लस रिंकल रहेगा हमारा, और यहाँ पे टी टी आर आर, ये रहेगा ड्वार्फ रिंकल, ठीक है। तो ये हमारे जो टी टी लिखे हुए हैं जीनोटाइप्स हैं, और जो टॉल राउंड लिखा हुआ है मैंने, ये हमारे फिनोटाइप्स हैं, ओके। अब इनको हम कर लेते हैं काउंट, काउंट करने से क्या पता लगेगा, काउंट करने से पता लगेगा कि इनका रेशियो कितना है, ओके। तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं टॉल राउंड, पहले फिनोटाइप का रेशियो निकालेंगे फिर निकालेंगे जीनोटाइप का रेशियो। तो फिनोटाइप के रेशियो में देखिए टॉल राउंड ये भी है, टॉल राउंड, तो इसका मतलब यहाँ से एक दो तीन चार टॉल राउंड हो गए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस जगह पे इस वाले से रेशियो लिखना है, तो टॉल राउंड काउंट कर लेते हैं कितने टॉल राउंड हमारे पास हैं, ठीक है। तो चार, तो यहाँ से एक दो तीन चार टॉल राउंड ये हो गए, पांचवा ठीक टॉल राउंड ये भी रहेगा, छठवा ये ड्वार्फ है, तो छः के बाद में टॉल राउंड ये भी रहेगा, सात आठ और ये रिंकल रहेगा, और ये भी रिंकल है, सात आठ हो गया, ये भी हमारा टॉल राउंड रहेगा, नौ ये ड्वार्फ है, ये रिंकल है, ये रिंकल है, तो इसका मतलब यहाँ से जो टॉल राउंड निकल गया है वो कितने निकल गया है, नाइन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर टॉल और रिंकल लिख लेते हैं, टॉल रिंकल कितने आए हैं, टॉल रिंकल मतलब हमें यहाँ पर चूज करने हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, इसके अलावा स्मॉल आर वाले, तो स्मॉल आर वाले देखिए कौन कौन से हैं, रिंकल में स्मॉल आर ही बोलेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल आर वाला एक तो ये रहा, एक दो, और टॉल रिंकल दोनों ये दो हो गए, ठीक, और तीसरा ये है टॉल रिंकल, एक दो तीन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप तीन हमारे जो हैं टॉल रिंकल बन रहे हैं, क्या स्मॉल आर स्मॉल इसमें आ रही है टॉल रिंकल थ्री। अब यहाँ पर टॉल रिंकल हो गया, अब ड्वार्फ और राउंड कर लीजिए कितने आ रहे हैं, ड्वार्फ राउंड, और ड्वार्फ राउंड के लिए बच्चों क्या होना चाहिए कि ड्वार्फ के लिए कंडीशन है कि स्मॉल टी होगा तो ही ड्वार्फ आएगा, ठीक है। तो स्मॉल टी वाले देख लीजिए, और राउंड तो दोनों में आ सकता है, कैपिटल आर में भी आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर में भी राउंड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ड्वार्फ की बात करेंगे तो ड्वार्फ में स्मॉल टी वाला देखो, पहले स्मॉल टी वाला एक तो ये है और कैपिटल आर भी, तो एक तो ये हमारा हो गया, ठीक, एक ड्वार्फ और राउंड ये वाला भी रहेगा हमारे पास, और ड्वार्फ और राउंड तो दो ही हो गए, और तीसरा हमारा जाएगा यहाँ से ये वाला स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर क्या है, ड्वार्फ राउंड तीन, और ये तो रिंकल में रहेगा हमारे पास, तो इसका मतलब ड्वार्फ राउंड में भी कितने हो गए, थ्री। अब रिंकल भी होना चाहिए और राउंड भी होना चाहिए, ड्वार्फ रिंकल, दो ड्वार्फ के होंगे दो टॉल के, तो ड्वार्फ रिंकल। और बच्चों जब यहाँ पे आप देखोगे तो ड्वार्फ रिंकल हमारा केवल एक आया कोने पे, स्मॉल टी स्मॉल आर, और कोई भी इसमें से नहीं है जो स्मॉल टी स्मॉल आर वाला है, तो ये वन हो गया जाके। तो अगर हम यहाँ से फिनोटाइप का रेशियो पूछते हैं, इसके अंतर्गत फिनोटाइप का रेशियो जो है वो कितना होगा जाके, तो बच्चों यहाँ से 9:3:3:1 का रेशियो, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 9:3:3:1। ये बड़ी क्वेश्चन आती है F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो बताइए, 9:3:3:1 का रेशियो, क्रॉस कैसे करेंगे, ये क्रॉस करा, ठीक है। अब आता है जीनोटाइप का रेशियो, और जीनोटाइप का रेशियो कैसे निकल के आएगा, जीनोटाइप का मतलब साढ़े तीन से अलग लिखने पड़े, जैसे एक काउंटिंग कर लेते हैं, तो काउंटिंग में टी आर देख लो, देखो हमसे छांटने कौन से हैं, टी टी आर आर छांट लीजिए, भाई बहुत सारे टाइप्स के हैं यहाँ पे, और इसके बाद स्मॉल टी आर आर छांट लीजिए, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल आर छांट लीजिए, स्मॉल टी स्मॉल आर छांट लीजिए, ठीक है। तो टी टी
टी टी आर आर हो गया टॉल निकल। अब इसमें एक और टी लगा दीजिए, ये वाला एक दो तीन टॉल लिंकल राउंड। अब इसके बाद टॉल में दोनों में राउंड टी टी आर आर छाँट लीजिए, एक दो तीन चार। अब टॉल राउंड हो गया और टॉल रिंकल हो गया, इस टी के साथ एक और लगा दीजिए टी टी आर आर, हो गए सारे। तो ये करेक्टर्स जो अलग अलग तरीके के उनको छाँट लीजिए, कितना कितना रेशियो है वही हमारा क्या होगा, दैट विल बी द जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएशंस देखिए, टी टी आर आर वाले कौन से हैं, टी टी आर आर वाले कौन से हैं, इन सबको वेरिएशंस छाँट लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए बिल्कुल ऐसे ही। और आप ऐसे काउंटिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसका जीनोटाइप का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टू जनरेशन में इसका होता है 9331 का रेशियो और वहाँ पे था 1:1 का रेशियो। ठीक है, 3:1 का रेशियो और जीनोटाइप में 1:1 का रेशियो था, और जीनोटाइप में यहाँ से आप फाइंड करेंगे। तो ये हमारे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब बच्चों चैप्टर में इसके बाद हमारा आता है मेंडल्स के लॉ। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद मेंडल ने इन सब के बेस पर 3 लॉ दिए। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ, ठीक है, और लॉ जो दिए गए इनके ही बेस पर दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है, लॉ ऑफ रिसेसिव सेग्रीगेशन क्या होता है। तो इन 3 लॉ की स्टेटमेंट्स पढ़ना है, मतलब सिंपल सी भाषा में रट्टा मारना है अपने को। ठीक है, तो पहले आप इसको बना लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं मेंडल्स के लॉ के लिए। तो अब मेंडल के लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब जो समरी इन्होंने, मतलब जो लॉ जो अभी तक स्टडी एक्सपेरिमेंट किया उसकी समरी को लॉ के रूप में दिखाया है यहाँ पे। तो लॉ है तो ऑब्वियसली इसका स्टेटमेंट तो याद ही करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं कौन कौन से लॉ यहाँ पे दिए गए थे। पहला लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकेंड लॉ इनका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, मैंने इसकी लैंग्वेज बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिखी, 2 लाइन्स में खत्म किया है इसको। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब अभी मैंने बताया था कि भाई जैसे मान लिए टी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो वहाँ पे हम टॉल बोलेंगे उसको, टॉल बोलने का मतलब डोमिनेंस कैरेक्टर ही शो होता है। तो बस यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि डोमिनेंस कैरेक्टर को शो करता है। तो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, सम एलेल्स, एलेल्स बोलिए, जीन्स बोलिए, आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रिसेसिव एलेल्स, रिसेसिव जीन्स को क्या हुआ ये कवर अप करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखेंगे, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 एलेल्स, एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 एलेल्स हैं। तो अभी हम लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, वहाँ पे देखा था कि भाई टी कैपिटल मोनोहाइब्रिड भी कराया था, तो उसमें एफ टू जनरेशन में क्या था कि बच्चों लास्ट में जो हमारा बन के आया था वो क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और टी टी। और फर्स्ट जनरेशन में जो आए थे वो टी टी, सभी में टी टी चारों बार आया था। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 और F2 प्रोग्रेनी में हमारा आया था। पहले जो मैंने ये लॉ लगाया कि भाई जो भी टी और टी का क्रॉस कराया है, स्मॉल डॉर्फ प्लांट का और हाइट प्लांट का, लार्ज प्लांट का, टॉल प्लांट का कराया, तो वहाँ पे कराने में फर्स्ट जनरेशन में देखिए सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अपने आप को अलग से शो करता है, तो उस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना और ये सेग्रीगेशन हो जाता है। इससे कैसे देखिए, एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलेल्स, 2 एलेल्स हैं उसके पास फॉर ईच जीन्स, बट दे कैन ओनली पास N1, और उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर पास होता है, डोमिनेंस वाला पास होता है, तो सेग्रीगेशन हो गया और अलग से अपने आप को शो करता है, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं इसको। इसमें स्टडी कर लेते हैं, जीन्स फाउंड एन फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली फॉर ईच अदर, अपने आप को इनहेरिट करता है अलग से। ठीक है, तो ये हमारे क्या लॉ ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट है, और इनको बिल्कुल यही लैंग्वेज में आपको याद करना है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ये हेरिटी वाला पोर्शन जो खत्म हो जाता है, और 21 के सिलेबस में एवोल्यूशन आएगा नहीं, तो चैप्टर ये फिनिश हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तैयारी करनी ही पड़ेगी इसकी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नोट डाउन उपाली।